नए विस्तारित पार्लियामेंट का उद्घाटन होने जा रहा है। दुर्भाग्य की बात यह है कि केंद्र में आरएसएस बीजेपी की सरकार है। आरएसएस बीजेपी की सरकार जो है वैदिक धर्म की प्रचारक है और उसी को मानती है। वैदिक धर्म के अंदर ना महिलाओं को स्थान है ना आदिवासियों को स्थान है। देश के राष्ट्रपति जो है वो द्रौपदी मुर्मू है, एक महिला है और एक आदिवासी है। आरएसएस बीजेपी की विचारधारा में ये दोनों भी इंसान नहीं, ऐसी परिस्थिति है और वही दोबारा दिखाई देता है कि द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट होने के बाद भी नए पार्लियामेंट का उद्घाटन उनके हाथ से ना होते हुए बीजेपी अपने ही व्यक्ति से कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। हम इसकी निंदा करते हैं और देशभर में आदिवासियों को जो संदेश दिया जा रहा है कि उनको कोई स्थान नहीं है, आश्वासित करते आदिवासियों को कि 2024 में इनको हरा के दोबारा उद्घाटन जो है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू से ही होगा, ये वंचित बहुजन आघाड़ी आपको आश्वासित करती है। जय हिंद।